एक तरफ सफाई अभियान है तो दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी और पर्यावरण मित्र मानदेय न मिलने से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें मजबूरन धरना देना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। काशीपुर में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ हमेशा नगर निगम से संघर्ष करता रहता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को आउटसोर्सिंग पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम के सम्मान पर रोष जाहिर किया। पर्यावरण मित्रों का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया था जिसमें देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिए जाने की बात कही गई थी, परंतु नगर निगम प्रशासन टेंडर होने की बात कहकर उन्हें गुमराह कर रहा है। अप्रैल 2022 माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी जिसमें 500 रुपए मानदेय आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का और जितने भी अस्थायी कर्मचारी सबके 500 रुपए मिलने थे, जिसमें मोहल्ला स्वास्थ्य समिति को 500 रुपए दे दिए, उनका एरियल भी दे दिया इन्होंने लेट कर दिया। पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी नहीं मिले सब जगह मिलने लगे हैं। पिछले महीने अप्रैल तक भी हल्द्वानी में नहीं होता, हल्द्वानी में मिल रहा है, लेकिन यहाँ काशीपुर में अभी तक हमने 10-50 बार मांग उठा ली, लेटर भी दे दिए अपने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि 1 हफ्ते में कर देंगे, 15 दिन का टाइम दो, तो हम कब तक ये 500 रुपए रोज देता है तो यहाँ पर भी करते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे 15,000 मिलने चाहिए, पैसे हमारे 8,000 में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हमने अच्छे स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में डाल दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।